Today I will discuss the sulfur system. Sulfur existing in four phases, that is sulfur rhombic, sulfur monoclinic, sulfur liquid and sulfur vapor. Sulfur rhombic or sulfur monoclinic, ये दोनों जो है solid के ही form है. Different temperature पर sulfur के दो solid form exist होते हैं, जिसे सल्फर रोम्बिक कहते हैं और सल्फर मोनोक्लिनिक कहते हैं. एट लोअर टेम्परेचर सल्फर रोम्बिक इज द स्टेबल फेज एंड हायर टेम्परेचर सल्फर मोनोक्लिनिक इज द स्टेबल. द फेज डायग्राम ऑफ सल्फर सिस्टम इज गिवन बिलो. तो ये सल्फर सिस्टम का फेज डायग्राम है और इसमें देखिए पॉइंट ओ ए इज द सब्लिमेशन कर्व ऑफ रोम्बिक सल्फर. इट गिव्स द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ रोम्बिक सल्फर एट डिफरेंट टेम्परेचर. द टू फेजेज एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम अलोंग दिस लाइन आर सल्फर रोम्बिक एंड सल्फर वेपर. तो सब्लिमेशन मीन्स दोज सॉलिड सबस्टेंस विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटू लिक्विड डायरेक्टली कन्वर्टेड इंटू वेपर फेज, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. नेक्स्ट पॉइंट ओ बी इज द सब्लिमेशन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर एलॉन्ग दिस लाइन सल्फर मोनोक्लिनिक एंड सल्फर वेपर को एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम. देन नेक्स्ट पॉइंट इज बी सी इज द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ लिक्विड सल्फर एलॉन्ग दिस लाइन सल्फर लिक्विड एंड सल्फर वेपर आर को एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम. बी डी इज द मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर एलॉन्ग दिस लाइन सल्फर मोनोक्लिनिक एंड सल्फर लिक्विड आर को एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट पॉइंट डी इज द मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ रोम्बिक सल्फर एलॉन्ग दिस लाइन सल्फर रोम्बिक एंड सल्फर लिक्विड आर को एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम. मेल्टिंग पॉइंट कर्व आर दोज कर्व विच सॉलिड सबस्टेंस कन्वर्टेड इंटू लिक्विड फॉर्म. नेक्स्ट एट पॉइंट ओ रोम्बिक सल्फर चेंजेज इंटू मोनोक्लिनिक सल्फर. द टेम्परेचर एट दिस पॉइंट इज 97 डिग्री सेंटीग्रेड. If heating is not very slow, then rhombic form may not change into the monoclinic form. At point O and in a metastable equilibrium given by dotted line OK, similarly by cooling liquid sulfur, solid monoclinic should be separate at point B, but sometimes it does not separate. If cooling is fast and liquid sulfur then exists in a metastable equilibrium shown by dotted line BK along OK, sulfur rhombic and sulfur vapor coexist and along BK sulfur liquid and sulfur vapor it coexist. The point K is a melting point of metastable rhombic sulfur. KD is the melting point curve of metastable rhombic sulfur. The two phases coexisting along this line are metastable rhombic and metastable liquid. Then I will discuss the area. In the area bounded by OA, OD and DE, rhombic form in the stable phase. In the area below OA, OB and BC, sulfur vapor is the stable phase. In the area between BC, BD and DE, liquid sulfur in the stable phase. And in the triangular area bounded by OB, BO and OD, monoclinic is the stable phase. Now I will discuss triple point. O is the triple point where sulfur rhombic, sulfur monoclinic and sulfur vapor are coexisting. It is a transition point
बी इज अनदर ट्रिपल पॉइंट वेयर सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर लिक्विड एंड सल्फर वेपर को एग्जिस्ट। डी इज द थर्ड ट्रिपल पॉइंट वेयर सल्फर रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक एंड सल्फर लिक्विड को एग्जिस्ट। के इज द मेटा स्टेबल ट्रिपल पॉइंट वेयर मेटा स्टेबल सल्फर रोम्बिक सल्फर लिक्विड एंड मेटा स्टेबल सल्फर वेपर को एग्जिस्ट। नाउ आई विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक लाइन एरिया एंड ट्रिपल पॉइंट। अलोंग ईच ऑफ द लाइन टू फेजेज को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विथ वन अनदर। सिंस द सिस्टम इज वन कंपोनेंट द डिग्री ऑफ फ्रीडम अलोंग द लाइन विल बी गिवन बाई फेज रूल इक्वेशन एफ इक्वल टू सी माइनस बी प्लस टू वन माइनस टू प्लस टू। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी वन, दैट इज द मोनोवेरिएंट आर यूनिवेरिएंट, दस ऑल द लाइन आर मोनोवेरिएंट इन द एरिया दे आर एग्जिस्ट ए सिंगल स्टेबल फेज एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकम्स। क्योंकि वन कंपोनेंट सिस्टम का एग्जांपल है, यहाँ फेज जो है वन होगा, तो फेज वन होगा तो फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान टू आएगा। दैट इज द सिस्टम इज बाई वेरियंट आर डाई वेरियंट, दस ऑल एरियाज विल बी कॉल्ड बाई वेरियंट आर डाई वेरियंट। नेक्स्ट इज द ट्रिपल पॉइंट थ्री फेजेड को एग्जिस्ट, देन द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी गिवन बाई फेज रूल इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करेंगे। वन कंपोनेंट सिस्टम है, हियर ट्रिपल पॉइंट पर थ्री फेज एग्जिस्ट हो रहा है, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी जीरो, दैट इज द नॉन वेरिएंट, दस ऑल द ट्रिपल पॉइंट आर जीरो वेरिएंट आर नॉन वेरिएंट आर यूनिवेरिएंट।